हे फैमिली, सिंह फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ नया बना के आटा, गुड़ और थोड़ा सा गर्म पानी से कुछ बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उसमें अब मैं डालूँगी गुड़। दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने सारा गुड़ को डाल दिया और दोनों को अब मैं अच्छी तरह से करूँगी हाथ से मिक्स। तो आप लोग बताइए कौन कौन अपने घर में ये मीठा वाला पूरी बनाते हैं। और अब थोड़ा लेंगे पानी और धीरे धीरे से जिस तरह से रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह इसका आटा हम धीरे धीरे पानी दे करके उसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आटा तैयार कर ली। थोड़ा सा लेंगे घी और ऊपर से लगा देंगे ताकि आटा ज़्यादा चिपके भी नहीं और पूरी भी बहुत सॉफ्ट बने, बहुत अच्छा से मीठा वाला पूरी। तो ये देखिए, हमने आटा गूंथ के अच्छे तरह से रख दिया। अब मैं इसका छोटा छोटा सा पेड़ा काट लूँगी और फिर ये देखिए छोटा छोटा एकदम, ये मैंने छोटा छोटा सारा पेड़े जैसा मैंने काट ली। ये देखिए, अब ये मेरा तैयार हो गया। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइए और कभी चेक करिए, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। बिहार में तो इसे पसंद किया जाता है। अब हल्का लेंगे तेल और उसे अच्छे से बना लेंगे इस टाइप का। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सभी ऐसा ही पसंद करता है और बिहार में ऐसा बनाया जाता है पर्व में। तो ये देखिए, हमने इसे बना लिया और इस टाइप से हम इसलिए बना रहे हैं कि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं या इस टाइप से बना सकते हैं। बिहार में तो ये बनता है। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और इस अगर ये प्लेन नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो आप एक बेलन का भी सहायता आप ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप उसे फैला लीजिए। अब लीजिए एक बेलन और उसे अच्छे तरीके से आगे से उसे बेल लीजिए, ये ऐसे ही देखिए। अब एक जैसा हो गया और अब ये तलने के लिए रेडी है। देखिए, बराबर जैसा हो गया। अब थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। ये देखिए, मेरा तेल गरम, उसमें डालेंगे पूरी जो मैंने बनाई थी। ये देखिए, अब इसे मीडियम टू लो आंच पे धीरे धीरे पका लेंगे। ये देखिए, ये अब फूलने लगा। ये देखिए, आप इस तरह से बनाओगे। आप हल्का गर्म पानी ज़रूर, आप चाहे तो गुड़ के जगह चीनी भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगेगी, आई बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, तो लीजिए। ये देखिए, अब ये लाल हो गया। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, मैं दूसरा डाली, उसे भी इस तरह से मैं पका लूँगी और इसको भी बाहर निकाल। ये देखिए, कितना अच्छा गुब्बारे की तरह फूला है। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक एवं शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और किन किन के घर में ये बनता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो ये देखिए, एक निकाला, दूसरा दिया, तो फाइनली अब तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से है। देखिए, अब मैं इसे तोड़ करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है देखिए, कितना अच्छा।